हेलो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम है संतोष सरनाइक और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। तो ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मान लीजिएगा कि एक पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको एक फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कारण वो एक डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बोला कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो उस कारण उस डॉक्टर ने उसको कुछ एंटीबायोटिक लिख के दी, तो उस पेशेंट ने वो एंटीबायोटिक समझो उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को छः एंटीबायोटिक लिख के दी, तो उस पेशेंट ने सिर्फ उसमें से 3 ही एंटीबायोटिक ले ली। तो क्या हो गया कि जिस इन्फेक्शन को 6 एंटीबायोटिक चाहिए थी, उस इन्फेक्शन को सिर्फ 3 ही एंटीबायोटिक मिल रही थी। तो उस कारण क्या हो गया कि जिस पेशेंट को 6 एंटीबायोटिक चाहिए थी, ध्यान से सुनना है, जिस पेशेंट को 6 एंटीबायोटिक चाहिए थी उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए, तो उस इन्फेक्शन को सिर्फ ही 3 ही एंटीबायोटिक मिल रही थी। उस कारण वो बैक्टीरिया मर नहीं रहे थे, वो फंगल इन्फेक्शन मर नहीं रहा था, वो सिर्फ जख्मी हो रहा था। तो जख्मी होने के बाद उसे पता चल गया कि वो मेरे किस साइट पर एक्ट हो रहा है, और उसे पता चलने के बाद उसने नेक्स्ट टाइम अपनी साइट ही चेंज की। उसको पता चल गया कि वो उसके किस एंजाइम पे एक्ट कर रहा है या किस टारगेट साइट पे एक्ट कर रहा है, तो उसने वो टारगेट साइट ही चेंज कर दी। मानो कि ऐसा हो गया कि सपोज एक जोक सा पार्ट है कि एक आदमी है, वो उसको चश्मे के बिना दिखता ही नहीं तो हमने क्या किया कि हम चाहते थे कि उस आदमी को कुछ दिखे ही ना, तो हमने क्या किया, उस आदमी के कान काट दिए। तो मुझे बताइएगा कि अगर उस आदमी के कान काटे तो वो चश्मा कैसे पहनेगा, वो चश्मा तो गिर जाएगा नीचे। वैसी बात हो गई उस इन्फेक्शन में कि फंगाई को पता चल गया था कि वो उसके किस टारगेट साइट या किस एंजाइम पर एक्ट कर रहा है, तो उसने उसकी वो साइट ही चेंज करी। उस कारण अगली बार वो इन्फेक्शन हो गया उस पेशेंट को, या वो उसी इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने वही एंटीबायोटिक दे दी, तो वो उस इन्फेक्शन पे काम नहीं करेगी, डॉक्टर को एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते, ड्रग रेजिस्टेंस कहते, मतलब ड्रग का कोई इफेक्ट ना होना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, उसको क्या कहते हम, ड्रग रेजिस्टेंस कहते। तो इतना समझ में आया आपको, ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है, चलता है। अभी हम देखने वाले हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। तो म्यूटेशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि मान लीजिएगा कि एक रेड कलर का बैक्टीरिया है, उसके पास रेजिस्टेंस है, और एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है, उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेड कलर के बैक्टीरिया में से रेजिस्टेंस ग्रीन कलर के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है थ्रू द सेक्स फिलाय। तो सेक्स फिलाय के थ्रू अगर रेड कलर के बैक्टीरिया में से रेजिस्टेंस ग्रीन कलर के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो दूसरा टाइप आता है उसमें ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, समझो रेड कलर के बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस है, ग्रीन कलर के बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस नहीं है, और रेड कलर के बैक्टीरिया में से रेजिस्टेंस को एक बैक्टीरियोफेज आता है जो कि वायरस का एक टाइप होता है। तो वायरस क्या करता है, वो वायरस इस रेड कलर वाले बैक्टीरिया में जिसमें रेजिस्टेंस है उसमें से रेजिस्टेंस को निकाल लेता है और उस रेजिस्टेंस को उस ग्रीन कलर वाले बैक्टीरिया में डाल देता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि मान लीजिएगा कि एक रेड कलर का बैक्टीरिया है और एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है, रेड कलर के बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस है और ग्रीन कलर के बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेड कलर वाले बैक्टीरिया से ग्रीन कलर वाले बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें अलग बात क्या है कि इन दोनों बैक्टीरिया में एक कॉमन रेजिस्टेंस कैरिंग DNA होना चाहिए, कॉमन रेजिस्टेंस कैरिंग फैक्टर होना चाहिए, तभी ही अगर उसमें कॉमन डीएनए रेजिस्टेंस कैरिंग फैक्टर होगा तभी उसमें रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो रेड कलर वाला बैक्टीरिया है, ये इसके साथ ये जो ग्रीन कलर का जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, ये इस रेड कलर वाले बैक्टीरिया के साथ रह के इसमें से वो रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब
और उसके टाइप क्या होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस के हमने टाइप देखे, जीन ट्रांसफ़र और म्यूटेशन। जीन ट्रांसफ़र में मदर टू प्रोजेनी, और मतलब प्रोजेनी मतलब डॉटर, मदर टू प्रोजेनी। और उसके बाद म्यूटेशन में हमने देखा कॉन्जुगेशन, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू सेक्स पिलाए, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हमने क्या देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज। और तीसरा टाइप देखा हमने ट्रांसफॉर्मेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।